हेलो स्टूडेंट्स, सो वी हैव कंप्लीटेड 56 क्वेश्चंस, अप टू 56 क्वेश्चंस। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड बिफोर दिस क्वेश्चन वी हैव अ नोट। इफ बी इज अ कॉम्प्लेक्स ब्लॉक स्पेस हुज नॉर्म ओबे द पैरेललोग्राम लॉ। आपको एक कॉम्प्लेक्स ब्लॉक दे रखा है जो पैरेललोग्राम लॉ को ओबे करता है, मतलब पैरेललोग्राम लॉ वहाँ पे होल्ड करता है। देन ब्लॉक स्पेस इज हिल्बर्ट स्पेस इफ एंड ओनली इट्स नॉर्म सेटिस्फाई पैरेललोग्राम लॉ। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई ब्लॉक स्पेस को आपने हिल्बर्ट स्पेस बनाना, तो कोई भी ब्लॉक स्पेस हिल्बर्ट स्पेस बनेगा अगर वो पैरेललोग्राम लॉ को सेटिस्फाई करता है। और अब ब्लॉक स्पेस इज हिल्बर्ट स्पेस इफ एंड ओनली पैरेललोग्राम लॉ होल्ड्स। तो इसका मतलब हम ये कंसेप्ट कहीं यूज़ करेंगे, अगर किसी ब्लॉक स्पेस को हिल्बर्ट स्पेस बनाना है तो वी विल चेक ओनली पैरेललोग्राम लॉ। इफ पैरेललोग्राम लॉ होल्ड्स देन वी से ब्लॉक स्पेस इज इटसेल्फ अ हिल्बर्ट स्पेस। क्वेश्चन नंबर 57, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए ब्लॉक स्पेस विच इज़ नॉट ए हिल्बर्ट स्पेस। बोला है कि आप एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जो ब्लॉक स्पेस तो है पर हिल्बर्ट स्पेस नहीं है। तो देखते हैं जरा, कंसिडर द ब्लॉक स्पेस ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 1। ये हम फर्स्ट सेक्शन में प्रूव कर चुके हैं कि कॉन्टिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शंस का जो स्पेस होता है वो ब्लॉक स्पेस होता है। विद द नॉर्म ऑफ एनी एफ बिलोंग्स टू दिस इज गिवन बाय एफ नॉर्म इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स मॉड सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1। देन सी क्लोज इंटरवल 0 to 1 इज नॉट ए हिल्बर्ट स्पेस। अंडर दिस डिफाइनिंग दिस क्लोज इंटरवल 0 to 1, सी क्लोज इंटरवल 0 to 1, ये ब्लॉक स्पेस तो होता है पर ये हिल्बर्ट स्पेस नहीं होता। और ये ब्लॉक स्पेस होता है इट इज़ ऑलरेडी प्रूव्ड इन फर्स्ट सेक्शन। और यहाँ पर हम सिर्फ चेक करेंगे कि ये हिल्बर्ट स्पेस नहीं है। तो इसके लिए हम क्या चेक करेंगे, इसके लिए हम ये चेक करेंगे कि ये पैरेललोग्राम लॉ को सेटिस्फाई नहीं करता है। देखते हैं ज़रा, बिकॉज हेयर पैरेललोग्राम लॉ डज नॉट होल्ड वी विल प्रूव इट बाई कंसिडरिंग द फंक्शन। दिस फंक्शन लिया हमने, एफ इज मैपिंग फ्रॉम क्लोज इंटरवल 0 to 1 to R एंड जी इज मैपिंग फ्रॉम क्लोज इंटरवल 0 to 1 to R रिस्पेक्टिवली डिफाइंड बाई। ये आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई 1 ले ली हमने, जी ऑफ एक्स की वैल्यू ले ली हमने एक्स, जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। तो अंडर दिस डिफाइनिंग वी विल चेक दिस इज नॉट सेटिस्फाई पैरेललोग्राम लॉ। तो पैरेललोग्राम लॉ आपको पता है, तो देखते हैं पैरेललोग्राम लॉ की कंडीशनों के अनुसार। पहले हमने निकाला एफ प्लस जी नॉर्म लेके चले। पैरेललोग्राम लॉ आपको पता है, वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड क्या होता है, एफ प्लस जी नॉर्म का स्क्वेयर प्लस एफ माइनस जी नॉर्म का स्क्वेयर इक्वल टू टाइम एक्स एफ नॉर्म स्क्वेयर प्लस टू टाइम जी नॉर्म स्क्वेयर होता है ना। तो हम एफ प्लस जी नॉर्म लेके चले बाय डिफाइनिंग फंक्शन का नॉर्म इज इक्वल सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ द फंक्शन। तो एफ प्लस जी नॉर्म क्या होगा, सुप्रीमम ऑफ एफ प्लस जी ऑफ एक्स मॉड एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1। उसके बाद आप सिंपल कैलकुलेशन वर्क है, एफ प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, फिर ए प्लस बी होल मॉड इज लेस देन इक्वल टू ए मॉड प्लस बी मॉड, उसका सुप्रीमम ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ बी, एंड बाय रिवर्स डिफाइनिंग दिस इज योर एफ नॉर्म एंड दिस इज योर जी नॉर्म सॉरी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 1, तो ये बन गया 1 का सुप्रीमम 1 ही रहेगा, और जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स तो यह बन जाएगा एक्स मॉड, एंड एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1, तो इसका मतलब एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 1 ही होगी। तो सुप्रीमम ऑफ दिस सेट इज अगेन इक्वल टू 1, तो बन गया 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो ये आ गया एफ प्लस जी नॉर्म इज इक्वल टू 2, तो एफ प्लस जी का नॉर्म स्क्वेयर कर दिया हमने इज इक्वल टू 4, एंड दिस इज अ पर्टिकुलर केस, ध्यान रखना है। बेसिकली यहाँ पर आना था लेस देन इक्वल टू 4, बट एफ प्लस जी नॉर्म स्क्वेयर इज लेस देन इक्वल टू 4, मतलब इसका ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू 4, अदरवाइज 4 से कम। तो जो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू वो हमने उठा ली 4। ऑन द सेम लाइन्स एफ माइनस जी नॉर्म, सेम प्रोसीजर, एफ माइनस जी ऑफ एक्स मॉड अलग अलग कर दिया, ए माइनस बी होल मॉड इज लेस देन इक्वल टू ए मॉड प्लस बी मॉड, एंड अगेन बाय डिफाइनिंग एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो 1 ही है और जी ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स, लेकिन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू है 1, तो इस फंक्शन की वैल्यू आएगी 1, दिस इज अगेन 2, एंड दिस इज बेसिकली हेयर इज लेस देन इक्वल टू, तो एफ माइनस जी नॉर्म स्क्वेयर इज लेस देन इक्वल टू 4, दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दी, लेकिन इसकी मैक्सिमम वैल्यू 4 है तो हमने 4 उठा लिए। उसके बाद इंडिविजुअली एफ नॉर्म दिस एफ ऑफ एक्स मॉड 1 हो गया, इंडिविजुअली जी नॉर्म जी ऑफ एक्स मॉड इज अगेन एक्स, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1, तो ये 1 आ गया। अब देखो जरा पैरेललोग्राम लॉ,
पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है, एफ प्लस जी नॉर्म स्क्वायर प्लस एफ माइनस जी नॉर्म स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू टू टाइम एफ नॉर्म स्क्वायर प्लस टू टाइम जी नॉर्म स्क्वायर। तो चेक करते हैं, एफ प्लस जी नॉर्म स्क्वायर 4 निकाला था, एफ माइनस जी नॉर्म स्क्वायर 4 निकाला था, दोनों का सम 8 आ गया। एफ नॉर्म स्क्वायर आपने 1 निकाला है, 2 टाइम प्लस 2 टाइम 4 आ गया, दे आर नॉट इक्वल। इसका पैरेललोग्राम लॉ डज नॉट होल्ड, सो इट इज़ नॉट ए ब्लैंक स्पेस। तो सिंपल काम है, सिंपल कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं है, तो यू कैन डू इजली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58, दिस इज अगेन वन ऑफ द वेरी सिंपलेस्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट हिल्बर्ट स्पेस इज ज्वाइंटली कॉन्टिन्यूस। ज्वाइंटली कॉन्टिन्यूस का मतलब हुआ कि अगर एक्स एन एक्स को कन्वर्स करती है, सीक्वेंस बाई एन बाई को कन्वर्स करती है, तो उस केस में एक्स एन कॉमा बाई एन सीक्वेंस एक्स कॉमा बाई को कन्वर्स करेगी। तो हमने प्रूव करना, ये हमें दे रखा है, ये हमने प्रूव करना है, तो हमने एक्स एन कॉमा बाई एन माइनस एक्स कॉमा बाई होल मॉड लेके चल पड़े। इसमें एक्स एन बाई ऐड किया, एक्स एन बाई सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है जी। उसके बाद इन दोनों टुपल को रिवर्स ऑर्डर में जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा वापस एक्स एन कॉमा बाई एन माइनस बाई, ये आ गया एक्स एन माइनस एक्स कॉमा बाई। उसके बाद लेस देन इक्वल टू कॉची इनक्वालिटी लगा दी, ठीक है जी। मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड बाई, यहाँ कॉची इनक्वालिटी लगा दी। अब एक्स कॉमा बाई होल मॉड इज लेस देन इक्वल टू एक्स नॉर्म प्लस बाई नॉर्म, एक्स नॉर्म प्लस बाई नॉर्म, कॉची इनक्वालिटी लगा दी। एंड एज एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स, बाई एन कन्वर्जेस टू बाई मीन्स बाई एन बाई कन्वर्जेस टू जीरो, एक्स एन माइनस एक्स आल्सो कन्वर्जेस टू जीरो, तो होल रिजल्ट कन्वर्जेस टू जीरो। तो अल्टीमेटली एक्स एन माइनस बाई एन कन्वर्जेस टू एक्स कॉमा बाई। उसके बाद है नेक्स्ट डेफिनेशन, कन्वेक्स सेट क्या होता है। कन्वेक्स सेट, लेट कैपिटल एल बी ए रियल और कॉम्प्लेक्स लीनियर स्पेस, आपने दिया है एस इज सबसेट ऑफ एल। इस लीनियर स्पेस का हमने एक सबसेट दिया, बोलता है कि इस लीनियर स्पेस का ये जो सबसेट है ये कन्वेक्स कहलाएगा इफ एक्स कॉमा बाई बिलोंग्स टू एस। मतलब जिसको कन्वेक्स प्रूव करना, वहाँ दो एलिमेंट उठाओ और प्रूव कर दो कि ये कॉम्बिनेशन भी एस का एलिमेंट है। मतलब वन माइनस अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा बाई बिलोंग्स टू एस, वेयर अल्फा इज रियल लाइज बिटवीन जीरो एंड वन। तो अल्टीमेटली बोलने का मतलब जिस भी सेट को कंप्लेक्स प्रूव करना, वहाँ दो एलिमेंट उठाओ और प्रूव कर दो इस तरह का कॉम्बिनेशन, ये स्पेशल कॉम्बिनेशन है, ध्यान रखना। यहाँ कॉन्स्टेंट दिया वन माइनस अल्फा, यहाँ कॉन्स्टेंट दिया हमने अल्फा, तो वन माइनस अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू वाई बिलोंग्स टू एस। अगर ये इस तरह का एलिमेंट एस में चला जाता तो हम कहेंगे ये एस जो है वो कन्वेक्स सेट है। और अगर हम अल्फा की वैल्यू 1 बाई 2 लेने हैं यहाँ पे, बिकॉज अल्फा इज रियल नंबर लाइज बिटवीन 0 एंड 1, अगर अल्फा की वैल्यू 1 बाई 2 लेने हैं तो दिस सम बिकम्स मीन ऑफ एक्स एंड वाई। इफ अल्फा इक्वल 1 बाई 2 देन एस विल बी कन्वेक्स इफ एक्स प्लस वाई बटा 2 बिलोंग्स टू एस। तो ये कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे आगे जाके। तो दिस इज द मीन ऑफ दीज टू एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 59 इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर। अ क्लोज्ड कन्वेक्स सबसेट सी ऑफ ए हिल्बर्ट स्पेस एच कंटेन्स अ यूनिक वेक्टर ऑफ स्मॉलेस्ट नॉर्म। ध्यान रखना, आप देख लीजिए ध्यान से जरा, बोला है क्लोज्ड कन्वेक्स सबसेट सी ऑफ हिल्बर्ट स्पेस एच। आपको एच हिल्बर्ट स्पेस दे रखा है, सी इसका सबसेट दे रखा है, और इस सी की खासियत क्या दे रखी है, नंबर 1 ये कन्वेक्स है, नंबर 2 ये क्लोज्ड है। और कोई भी सेट क्लोज्ड का होता है जो तमाम लिमिट पॉइंट्स को अपने में कंटेन करता है, ध्यान रखना इस चीज़ का। लिमिट पॉइंट सेट के अंदर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर सेट क्लोज्ड है तो उस केस में लिमिट पॉइंट हमेशा सेट के अंदर होगा, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है जी। तो हमने ये प्रूव करना है यहाँ पे, अ क्लोज्ड कन्वेक्स सबसेट सी ऑफ हिल्बर्ट स्पेस एच कंटेन्स, और ये जो सी है इसके अंदर क्या है, अ यूनिक वेक्टर है जिसका नॉर्म सबसे छोटा होगा। मतलब इस सी के अंदर आपको एक यूनिक वेक्टर जरूर मिलेगा जिसका अगर नॉर्म लेंगे तो उसकी वैल्यू सबसे छोटी होगी। तो ले लिया हमने इस सी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन तमाम एलिमेंट्स का नॉर्म लिया, और उन नॉर्म में जो सबसे छोटा है दैट इज इक्वल स्मॉल डी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इस सी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, सी आपका क्या है, कन्वेक्स क्लोज्ड सेट है, इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उन तमाम पॉइंट्स का हमने लिया नॉर्म, और नॉर्म लेने के बाद उस सेट का लिया हमने इन्फिमम, और इन्फिमम ले लिया मैंने डी। तो अल्टीमेटली मेरा टारगेट है प्रूव करना अब कि ये जो स्मॉलेस्ट नॉर्म है वो डी है खुद। ओके, अब इन्फिमम की बात कर रहे हैं, जब भी सुप्रीमम या इन्फिमम की बात होती है तो हम हमेशा सीक्वेंस की बात करते हैं, क्योंकि सुप्रीमम और इन्फिमम हमेशा सीक्वेंस का होता है। बिकॉज इन्फिमम एग्जिस्ट तो वी मस्ट हैव अ सीक्वेंस एक्स एन विच कन्वर्जेस टू दिस इन्फिमम। ये एक बीसी लेवल पर थ्योरम हुआ करती थी कि अगर कोई सीक्वेंस किसी नंबर को कन्वर्स करती है तो उस केस में
अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्स करती है तथा बाउंडेड बिलो हो तो वो सीक्वेंस हमेशा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को कन्वर्स करती है, मतलब इनफिमम को कन्वर्स करती है। और पैरेलल वाइज एक और थ्योरम थी कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्स करती है और वो बाउंडेड अबव हो तो वो सीक्वेंस हमेशा अपर बाउंड को कन्वर्स करती है। तो यहाँ पर लोअर बाउंड है डी, तो उसका ये सीक्वेंस जो है वो गारंटेड इस डी को कन्वर्स करेगी बाई द थ्योरम्स इन बीएससी क्लास। तो दिस सीक्वेंस एक्शन कन्वर्जेस टू डी। ठीक है जी, क्लियर हो गया है। उसके बाद हमने क्या किया, इस सीक्वेंस के जो कि सी के अंदर है, ये सीक्वेंस जो कि कैपिटल सी में है, इसमें हमने दो एलिमेंट उठाए एक्स एम कॉमा एक्स एन। बट कैपिटल सी इज कन्वेक्स, और कन्वेक्स की डेफिनेशन क्या बोलती है, अगर कन्वेक्स है तो जो भी आप एलिमेंट उठाएंगे उसका मीन भी उसी सेट में होगा। हमने दो एलिमेंट उठाए थे सी में, तो इनका मीन भी इसी में चला गया। उसके बाद डिफाइनिंग है हमारी, डिफाइनिंग क्या है, डिफाइनिंग है हमारी कि इस सी में आप जो भी एलिमेंट लेंगे, इस सी के प्रत्येक एलिमेंट का नॉर्म जो है, इस सी के प्रत्येक एलिमेंट का नॉर्म जो है वो इस डी से बड़ा या एट द मोस्ट बराबर, क्योंकि डी इस सेट में इन तमाम नॉर्म में डी सबसे छोटा, तो बाकी नॉर्म कैसे होंगे, डी से बड़े होंगे। तो एक्स एम प्लस एक्स एन बटे दो होल नॉर्म इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी, कोई दिक्कत नहीं बाई डिफाइनिंग। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि दिस इज द एलिमेंट ऑफ सी और हमने ऊपर सेट डिफाइन किया है, इस सी के तमाम एलिमेंट्स का नॉर्म और उन नॉर्म में सबसे छोटा है डी, अगर डी सबसे छोटा तो बाकी नॉर्म कैसे होंगे, डी से बड़े होंगे। तो वही लिखा हमने एक्स एम प्लस एक्स एन बटे दो नॉर्म इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी, सिंपल। उसके बाद फिर इसको थोड़ा कैलकुलेशन की, तो एक्स एम प्लस एक्स एन नॉर्म ग्रेटर देन इक्वल टू टू डी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको यहीं रिटेन कर दिया। नाउ बाय पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है, एक्स एम प्लस एक्स एन नॉर्म स्केयर प्लस एक्स एम माइनस एक्स एन नॉर्म स्केयर इज ऑलवेज इक्वल टू टाइम एक्स एम नॉर्म प्लस टू टाइम एक्स एन नॉर्म स्केयर बाई पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है जी, सो दिस सिंपलाइज, माइनस वाई टर्म हमने साइड रिटेन कर दी, प्लस वाई टर्म को हमेशा लेके आ गए। तो फिर दोबारा से टू टाइम एक्स एन नॉर्म एज इट इज, टू टाइम एक्स एन नॉर्म स्केयर एज इट इज, और माइनस टाइम, ये ध्यान से देखें जरा नंबर वन को, नंबर वन है एक्स एम प्लस एक्स एन नॉर्म इज ग्रेटर दैन इक्वल टू टू डी, अगर इसको मैं दोनों साइड माइनस साइन से गुणा कर दूंगा तो क्या होगा, माइनस टाइम एक्स एम प्लस एक्स एन नॉर्म इज लेस देन इक्वल टू माइनस टू डी बन जाएगा, लेस देन इक्वल टू माइनस टू डी। ठीक है, तो जब स्क्वेयर करेंगे तो ये आ गया माइनस टाइम दिस, माइनस टाइम दिस का स्क्वेयर, पहले दोनों साइड स्क्वेयर कर दिया, इसको पहले दोनों साइड स्क्वेयर कर दिया, दोनों साइड स्क्वेयर करेंगे तो एक्स एम प्लस एक्स एन नॉर्म स्क्वेयर इज ग्रेटर देन इक्वल टू फोर डी स्क्वेयर, फिर दोनों साइड माइनस साइन से गुणा कर दिया, जैसे माइनस साइन से गुणा करेंगे तो माइनस टाइम दिस इज लेस देन इक्वल टू फोर डी स्क्वेयर। अगेन सीक्वेंस एक्स एन डी को कन्वर्स कर रही है, तो उसका हर एक एलिमेंट, ये आपको पता है, सब बातें आपको पता है सारी की सारी, कि जब भी कोई सीक्वेंस किसी नंबर को कन्वर्स करती है तो उस सीक्वेंस का प्रत्येक एलिमेंट एक ही नंबर को कन्वर्स करता है, क्योंकि हमने अभी बोला सीक्वेंस एक्स एन जो अब डी को कन्वर्स कर रही है, तो उसका मतलब एक्स एम भी डी को कन्वर्स करेगी, तो एक्स एम भी डी हो गया, एक्स एन भी डी हो गया, तो टू डी स्क्वायर प्लस टू डी स्क्वायर माइनस फोर डी स्क्वायर दिस बिकम्स जीरो। तो अल्टीमेटली एक्स एम माइनस एक्स एन नॉर्म स्क्वायर कन्वर्जेस टू जीरो, इसका मतलब सीक्वेंस एक्स एन इज कॉची सीक्वेंस इन कैपिटल सी, बट कैपिटल एच इज कंप्लीट एंड सी इज क्लोज्ड सबसेट ऑफ एच, और ये टपोलॉजी की थ्योरम है जिसका जिक्र मैंने शायद फर्स्ट सेक्शन में भी किया था, कि जो भी कंप्लीट सेट का क्लोज्ड सबसेट होता है वो हमेशा कंप्लीट होता है, किसी भी कंप्लीट स्पेस का क्लोज्ड सबसेट हमेशा कंप्लीट होता है, क्योंकि सी एच का क्लोज्ड सबसेट है, क्योंकि एच कंप्लीट है, तो इसका मतलब सी जो है वो कंप्लीट होगा बाय दिस थ्योरम, एंड दिस इज द थ्योरम ऑफ टोपोलॉजी। तो इसका सी कंप्लीट हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सी कंप्लीट हो गया तो ये कॉची सीक्वेंस पक्का कन्वर्स करेगी, और जिसको कन्वर्स करेगी वो सी में ही प्रेजेंट होगा। तो ये सीक्वेंस एक्शन किसको कन्वर्स करेगी, एक्स को कन्वर्स करेगी, और एक्स कहाँ चला गया, सी में चला गया। एक्शन कन्वर्जेस टू एक्स का मतलब नॉर्म एक्स इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स एन नॉर्म, ये भी आप फर्स्ट सेक्शन में शुरू में आई थिंक दूसरा तीसरा क्वेश्चन होगा वहाँ प्रूव किया था, कि अगर सीक्वेंस एक्शन एक्स को कन्वर्स करती है तो सीक्वेंस एक्शन नॉर्म भी एक्स नॉर्म को कन्वर्स करती है, और लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स एन नॉर्म किसके बराबर है, स्मॉल डी के बराबर है, क्योंकि सी के प्रत्येक एलिमेंट का जो नॉर्म है उन नॉर्म में जो सबसे छोटा दैट इज इक्वल टू डी। और वैसे भी हमने अभी पीछे देखा है कि एक्स एन सीक्वेंस जो है वो डी को कन्वर्स करती है, तो एक्स एन सीक्वेंस जो है वो डी को कन्वर्स करती है, तो इसका मतलब एक्स नॉर्म इज इक्वल टू डी। एक्स कहाँ था, सी में, एक्स कहाँ था, सी में, इसका मतलब डी कहाँ चला गया, सी में, और डी क्या था, सबसे छोटा नॉर्म, इसका मतलब एक्स इज ए वेक्टर स्पेस इन सी विद स्मॉलेस्ट नॉर्म, क्योंकि डी हमने लिया था इनफिमम, और यही हमने प्रूव करना था।
उसके बाद इसकी यूनिकनेस, यूनिकनेस मतलब हमने प्रूव करना सिर्फ और सिर्फ इसके पास एक ही ऐसा नॉर्म होगा जो सबसे छोटा होगा। हमने मान लिया कि इस सेट के पास, इस स्पेस के पास, इस सबसेट के पास दो स्मॉलेस्ट नॉर्म है, एक्स नॉर्म इक्वल डी एंड बाई नॉर्म इक्वल डी। दो एलिमेंट उठाए इस तरीके से उठाए कि एक्स नॉर्म भी डी है और बाई नॉर्म भी डी है, फिर डी इज इनफिमम। बट सी इज कन्वेक्स, अगर सी कन्वेक्स है तो इनका मीन सी में चला जाएगा, मीन सी में चला गया तो बाई डिफाइनिंग फिर वही सेम चीज़। अगर ये सी का एलिमेंट है और हमने डिफाइनिंग किया है कि सी के प्रत्येक एलिमेंट का नॉर्म डी से बड़ा होगा, मतलब डी सबसे छोटा है, तो उसका एक्स प्लस बाई नॉर्म इज ग्रेटर इक्वल टू डी बाई डिफाइनिंग। दिस इज अगेन बाई डिफाइनिंग, माइंड इट, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एक्स प्लस बाई नॉर्म इज ग्रेटर इक्वल टू टू डी। फिर पैरेललोग्राम लॉ लगाया, एक्स प्लस बाई नॉर्म स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बाई नॉर्म स्क्वायर इक्वल टू टाइम एक्स नॉर्म स्क्वायर प्लस टू टाइम बाई नॉर्म स्क्वायर। माइनस वाला रिटेन किया, प्लस वाला इधर लेके आगे ऑन द सेम लाइंस, दोनों सेट स्क्वायर किया, नंबर टू को दोनों सेट स्क्वायर करके माइनस साइन से गुणा कर दिया। जैसे माइनस साइन से गुणा किया तो माइनस टाइम दिस नंबर इज लेस देन इक्वल टू माइनस फोर डी स्क्वायर। एक्स नॉर्म भी डी है, बाई नॉर्म भी डी है, तो दिस इज जीरो, तो एक्स माइनस बाई नॉर्म स्क्वायर कन्वर्जेस टू जीरो, और नॉर्म का स्क्वायर जीरो को कन्वर्स करा मतलब एक्स माइनस बाई को जीरो होगा, इसका एक्स और बाई बराबर होगी। तो दिस इज यूनिकनेस। उसका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, लेट कैपिटल एम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, लेट कैपिटल एम बी अ क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस ऑफ हिल्बर्ट स्पेस एच। फिर दोबारा से देखा आपको, एच आपको हिल्बर्ट स्पेस दे रखा है और एम जो है वो एच का सबस्पेस दे रखा है, मतलब सबसेट दे रखा है जो कि क्लोज्ड है, सिर्फ क्लोज्ड है, ध्यान रखना। लेट एक्स बी ए वेक्टर नॉट इन एम, ये आ गया कैपिटल एच, अगर डायग्राम देखेंगे ये कैपिटल एच, ये कैपिटल एम, और उसके बाद आपने एक वेक्टर उठाया एक्स जो कि एम में नहीं है, एम में नहीं तो कहाँ होगा, इधर बाहर होगा। वेक्टर नॉट इन एम एंड लेट स्मॉल डी बी डिस्टेंस फ्रॉम एक्स टू एम, और एक्स और एम के बीच का डिस्टेंस, उसको नाम दे दिया हमने स्मॉल डी, एक्स और स्मॉल एक्स इस एलिमेंट और सेट के बीच का डिस्टेंस ले दिया हमने स्मॉल डी। बोलता अगर ऐसा है देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक वेक्टर वाई नॉट, तो आपको ग्रांटेड कैपिटल एम में एक ऐसा वेक्टर जरूर मिलेगा जिसका डिस्टेंस एक्स से अगर लेंगे तो वो डी बन जाएगा। इस कैपिटल एम में, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक्स एम का एलिमेंट नहीं है, स्मॉल एक्स एम का एलिमेंट नहीं है, और स्मॉल डी हमने एक्स एलिमेंट से लेके कैपिटल एम के एलिमेंट तक का डिस्टेंस लिया। तो बोलता है कि इस एम में आपको गारंटेड एक यूनिक वेक्टर मिलेगा जिसका डिस्टेंस अगर एक्स से लेंगे तो वो डी बन जाएगा। तो देखते हैं, वी नो डिस्टेंस बिटवीन एलिमेंट एंड सेट इज गिवन बाई, ये भी आप टोपोलॉजी में पढ़ चुके हैं, डिस्टेंस बिटवीन एलिमेंट एंड सेट इज गिवन बाई इनफिमम ऑफ एक्स माइनस एम नॉर्म सच दैट एम बिलोंग्स टू एम, का मतलब इस एक्स से इस एम के तमाम एलिमेंट्स का डिस्टेंस लिया और डिस्टेंस लेके उनका नॉर्म लिया और उनके नॉर्म जो सबसे छोटा दैट इज इक्वल डी। फिर आगे इनफिमम की बात, इनफिमम की बात आई तो सीक्वेंस की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये डिस्टेंस कहाँ है, दिस इज द दिस डिस्टेंस इज इनफिमम ऑफ द डिस्टेंसिस बिटवीन एक्स एंड एम। तो इसका मतलब एम में आपको पक्का एक सीक्वेंस मिलेगी जिसके तहत ये एक्स माइनस एक्स एंड नॉर्म डी को कन्वर्स करेगी, मतलब ये एक्स क्योंकि इस सेट के अंदर एलिमेंट है एक्स माइनस एम टाइप के एलिमेंट, एक्स माइनस एम टाइप के एलिमेंट, फिर एम इज कमिंग फ्रॉम कैपिटल एम। तो इसका मतलब इसकी जो सीक्वेंस होगी वो कैसी होगी, एक्स माइनस एक्स एन, फिर एक्स एन इज कमिंग फ्रॉम कैपिटल एम। तो ये जो सीक्वेंस है ये पक्का इस डी को कन्वर्स करेगी, फिर वही बी एस सी क्लास की थ्योरम से इसको हमने यही रिटेन कर दिया। अब ध्यान रखना x माइनस एक्स एन नॉर्म टाइप का रिजल्ट डी को कन्वर्स कर रहा है, इसका मतलब x माइनस एक्स एम, एक्स माइनस एक्स एन, एक्स एन, एक्स माइनस एक्स एन प्लस वन, एक्स माइनस एक्स एन प्लस टू वगैरह वगैरह सारे डी को कन्वर्स करेंगे। अगेन एक्स एन एंड एक्स एम आर एलिमेंट ऑफ दिस सीक्वेंस, उसका मतलब इनका मीन अब ये यहाँ पे इसने कन्वेक्स सेट नहीं दे रखा है, बिकॉज ऑफ कन्वेक्स सेट मीन ऑलवेज गोज टू सेट, बट नाउ एम इज़ नॉट ए कन्वेक्स सेट माइंड इट, लेकिन उसके बावजूद भी ये मीन इसके अंदर जा रहा क्यों जा रहा है, क्योंकि एम सबस्पेस है, सबस्पेस है तो वेक्टर स्पेस भी होगा, और वेक्टर स्पेस में आपके पास क्लोज्ड अंडर एडिशन प्रॉपर्टी भी होती है, क्लोज्ड अंडर एडिशन से क्या हो, दोनों का सम एम में चला गया, और क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन भी होती है, क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन का मतलब कॉन्स्टेंट इंटू वैक्टर भी एम में होता है, दो प्रॉपर्टीज होती हैं क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। एडिशन तो सामने नजर आ रही है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब कांस्टेंट से इस एलिमेंट को गुणा करेंगे तो फिर वेक्टर स्पेस में चला जाता है। सो दैट्स वाई एक्स एन प्लस एक्स एम बट ए दो गोज टू कैपिटल एम। ठीक है जी, उसके बाद फिर दोबारा से अब देखिए, अगर ये कैपिटल एम का एलिमेंट है, अभी आपने ऊपर डिफाइनिंग दी है, कैपिटल एम के तमाम एलिमेंट्स से एक्स का डिस्टेंस हम ले रहे हैं, तो ये किसका एलिमेंट है, कैपिटल एम का, तो इसका मतलब इसका डिस्टेंस अगर एक्स से लेंगे, इस एलिमेंट का डिस्टेंस अगर एक्स से लेंगे तो वो डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा डी से बड़ा होगा या डी के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि डी सबसे छोटा है। तो इसका मतलब एक्स माइनस एक्स एम प्लस एक्स एन बटे दो नॉर्म इज ग्रेटर इक्वल टू डी बाई डिफाइनिंग।
कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2x - xn + xn होल नॉर्म इज ग्रेटर इक्वल 2d। फिर पैरेललोग्राम लॉ लगाया। अब पैरेललोग्राम लॉ कैसे लगाया, यहाँ पर एलिमेंट कैसे हैं, x - xn टाइप का एलिमेंट है, तो हमने x - xn + x - xn होल स्क्वेयर पहले सम लिया, फिर डिफरेंस लिया, मस्ट बी इक्वल टू 2 टाइम दिस एलिमेंट का स्क्वेयर प्लस 2 टाइम दिस एलिमेंट का स्क्वेयर। ये पैरेललोग्राम लॉ बन गया। जैसा सेट के एलिमेंट का करेक्टर होगा उसी के अनुसार आप पैरेललोग्राम लॉ डिफाइन करेंगे, ध्यान रखना यहाँ पर। उसके बाद सेम प्रोसीजर जैसे पीछे करते हैं, जो माइनस वाली टर्म उसको रिटेन कर दिया, प्लस वाली को उधर लेके आ गए। ये प्लस वाली सेम टर्म यहाँ पड़ी हुई है, ये सेम टर्म है, इस 2x को अगर मैं ब्रेक करूँ तो ये बन जाएगा आपका x - xn + x - xn। अगर 2x को वी कैन राइट x + x - xn + xn, तो बन जाएगा x - xn x - xn। तो ये आ गया। तो फिर दोबारा वही दोनों साइड स्केयरिंग की, सेम प्रोसीजर जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, दोनों साइड स्केयरिंग कर दे, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दी, जैसे माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ जाएगा लेस देन इक्वल टू। तो ये बन गया आपका लेस देन इक्वल टू, ये भी डी है, ये भी डी है, और ये आपका 4d² है, कन्वर्जेस टू 0। इसका मतलब xm - xn, यहाँ से xx कैंसिल हो जाएगा एंड अल्टीमेटली बी लेफ्ट विद xm - xn या xn - xm, बट एवर यू वॉन्ट टू राइट, कन्वर्जेस टू 0। इसका मतलब सीक्वेंस xn इज कॉची सीक्वेंस इन कैपिटल M, ये कॉची सीक्वेंस बन गई कैपिटल M में, ध्यान रखना, बट कैपिटल H इज कम्प्लीट एंड M इज क्लोज्ड सब स्पेस ऑफ H। ये फिर वही टोपोलॉजी की थ्योरम कि H आपको कम्प्लीट दे रखा है, M इसका क्लोज्ड सब स्पेस है, तो उसका मतलब M भी कम्प्लीट होगा, ठीक है, दिस M मस्ट बी कम्प्लीट अगेन बाय दैट टोपोलॉजी थ्योरम। अगर M कम्प्लीट हो गया तो उसका मतलब ये सीक्वेंस गारंटेड कन्वर्स करेगी, और जिसको कन्वर्स करेगी वो भी M का एलिमेंट होगा। तो ये वाई नॉट आया, वो दिस इज द वैल्यू वाई नॉट विच गोज टू कैपिटल M, ठीक है। अब ये बाई नॉट एम में चला गया। अब फिर दोबारा से डिफाइनिंग में क्या ले रहे हैं हम, डिफाइनिंग में ले रहे हैं हम स्मॉल एक्स से कैपिटल एम का डिस्टेंस, स्मॉल एक्स से कैपिटल एम के एलिमेंट्स का डिस्टेंस। तो यहाँ पे फिर बाई नॉट किसका एलिमेंट है, कैपिटल एम का, तो इसका मतलब इस बाई नॉट का डिस्टेंस एक्स से हमें लेना पड़ेगा, x - बाई नॉट नॉर्म लेके चले। बाई नॉट मीन्स लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी xn, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी बार आ गया, या एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिखो ना लिखो अंडरस्टूड है, x - xn, और x - xn नॉर्म किसके बराबर है, डी के बराबर है। तो इसका मतलब x - बाई नॉट नॉर्म किसके बराबर हो गया, डी के बराबर हो गया, और यही हमने प्रूव करना था। उसके बाद यूनिकनेस में हमने ये प्रूव करना है कि ये वाई नॉट ही ऐसा एक एलिमेंट है जिसके तहत एक्स और वाई नॉट के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी बन रहा है। तो हमने मान लिया कि एक वाई नॉट डैश भी है जिसका डिस्टेंस एक्स से लेंगे तो वो भी डी बन रहा है। देखते हैं ज़रा, फिर पहले ग्राउंड लॉस है, x - बाई नॉट नॉर्म डी बन गया, x - बाई नॉट - डी बन गया, ठीक है। बट कैपिटल एम इज वेक्टर सबस्पेस, फिर वेक्टर सबस्पेस की डेफिनेशन से वेक्टर सबस्पेस है तो वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस है तो इन दोनों एलिमेंट का मीन एम में चला गया। मीन बोलना यहाँ पर गलत है, क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इन दो प्रॉपर्टीज के तहत ये एम के अंदर चला गया। अगर ये एम का एलिमेंट है तो फिर इसका एक्स का, फिर इस एलिमेंट का डिस्टेंस एक्स से लेंगे, जब इस एलिमेंट का डिस्टेंस एक्स से लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो डी के बराबर हो गया, डी से बड़ा होगा क्योंकि डी सबसे छोटा है, फिर 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सेम प्रोसीजर है बिल्कुल सेम। फिर पैरेललोग्राम लॉ लगा दिया। अब पैरेललोग्राम के अनुसार पैरेललोग्राम के लिए क्या एलिमेंट लेके चलेंगे, x - बाई नॉट x - बाई नॉट डैश, तो ये ले लिया x - बाई नॉट x - बाई नॉट डैश, पहले प्लस फिर माइनस फिर 2 टाइम दिस एंड 2 टाइम दिस, फिर वही सेम प्रोसीजर चल रहा है आपका, ठीक है। हमने क्या किया यहाँ से, ये माइनस वाई टर्म इसको हमने साइड रिटेन कर दिया, रिटेन करने के साथ साथ एक्स कैंसिल भी कर दिया, एक्स कैंसिल करके बाई नॉट डैश माइनस बाई नॉट होल नॉर्म्स कर इसको उधर रख दिया, प्लस वाई टर्म को उधर लेके आ गए, और ये जो प्लस वाई टर्म है ये एज इट इज़ ऊपर पड़ी है। अगर 2x को मैं x + x लिख दूँ तो सेम टर्म बन जाएगी, ये सेम टर्म, दोनों साइड स्केयरिंग की, दोनों साइड फिर माइनस साइन से गुणा किया तो लेस देन इक्वल टू -4d² आ गया। और अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं तो राइट फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस वीडियो वी आर यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेललोग्राम लॉ। सो दिस इज 0 मीन्स दिस इज 0, नॉर्म 0 मीन्स दिस वेक्टर इटसेल्फ इक्वल 0, इसका मतलब बाई नॉट इक्वल टू बाई नॉट डैश, ठीक है जी। तो ये हमारे पास 2-3 थ्योरमें थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरमें हैं और पेपर में ये आती रहती हैं। उसका नेक्स्ट डेफिनेशन है ऑर्थोगोनल वेक्टर। अब ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होते हैं, 2 वेक्टर्स एक्स एंड वाई आर सेट टू बी ऑर्थोगोनल इफ इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल 0। 2 वेक्टर एक्स एंड वाई आर सेट टू बी ऑर्थोगोनल इफ इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल 0, याद करिए इसको। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, कि 2 वेक्टर अगर आपस में ऑर्थोगोनल हैं तो उनका प्रोडक्ट हमेशा
जीरो होगा एंड वी राइट इट एज एक्स परपेंडिकुलर टू वाई। ठीक है, एक्स परपेंडिकुलर टू वाई मीन्स इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू जीरो एंड कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। इनर प्रोडक्ट एक्स कॉमा वाई इक्वल टू जीरो मीन्स एक्स इज परपेंडिकुलर टू वाई एंड एक्स परपेंडिकुलर टू वाई मीन्स एक्स इनर प्रोडक्ट वाई इज इक्वल टू जीरो। उसके बाद है हमारे पास ये पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरियन थ्योरम 61। इफ एक्स एंड वाई आर टू ऑर्थोगोनल वेक्टर्स इन अ हिल्बर्ट स्पेस एच देन, अगर बोल रहा है दो वेक्टर ऑर्थोगोनल हैं तो उस केस में एक्स प्लस वाई का नॉर्म स्क्वेयर, एक्स माइनस वाई का नॉर्म स्क्वेयर, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं और इनकी वैल्यू होती है एक्स नॉर्म स्क्वेयर प्लस वाई नॉर्म स्क्वेयर। एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन, सिंस एक्स एंड वाई आर टू ऑर्थोगोनल वेक्टर्स तो इसका मतलब इनर प्रोडक्ट एक्स कॉमा वाई इक्वल जीरो एज वेल एज इनर प्रोडक्ट वाई कॉमा एक्स इक्वल जीरो, कोई दिक्कत नहीं। एक्स प्लस वाई नॉर्म स्क्वेयर लेके चले, कोई सिंपल कैलकुलेशन है, एक्स प्लस वाई इनर प्रोडक्ट एक्स प्लस वाई, फिर इसको सॉल्व किया एक्स का इनर प्रोडक्ट एक्स के साथ, एक्स का इनर प्रोडक्ट वाई के साथ, वाई का इनर प्रोडक्ट एक्स के साथ, वाई का इनर प्रोडक्ट वाई के साथ, एक्स कॉमा वाई और वाई कॉमा एक्स, एक्स और वाई का इनर प्रोडक्ट जीरो है तो ये दोनों टर्म में जीरो होगी, एक्स एक्स बन गया एक्स नॉर्म स्क्वायर, वाई वाई बन गया वाई नॉर्म स्क्वायर। सिमिलरली एक्स माइनस वाई नॉर्म स्क्वायर लेके चले, एक्स माइनस वाई इनर प्रोडक्ट एक्स माइनस वाई, एक्स का इनर प्रोडक्ट एक्स के साथ, फिर एक्स का इनर प्रोडक्ट माइनस वाई के साथ, तो माइनस वाई माइनस साइन बार आ गया, माइनस वाई का इनर प्रोडक्ट एक्स के साथ माइनस साइन बार आ गया, वाई का इनर प्रोडक्ट वाई के साथ, दो माइनस साइन बार आएंगे तो प्लस हो गया। एंड अगेन बाई ऑर्थोगोनैलिटी दिस इज जीरो, दिस इज जीरो एंड बी लेफ्ट विद एक्स नॉर्म स्क्वायर बाई नॉर्म स्क्वायर। फंडामेंटली एक्स प्लस वाई नॉर्म स्क्वायर इक्वल टू एक्स नॉर्म स्क्वायर प्लस वाई नॉर्म स्क्वायर, एक्स माइनस वाई नॉर्म स्क्वायर इक्वल टू एक्स नॉर्म स्क्वायर प्लस वाई नॉर्म स्क्वायर, ये आपके पास प्रूव हो गया रिजल्ट। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है, याद करिए इनको। अभी हमने बात की थी कि दो एलिमेंट ऑर्थोगोनल कब होंगे, अब हम बात कर रहे हैं कि दो सेट ऑर्थोगोनल कब होंगे। टू नॉन एम्प्टी सबसेट एस वन एंड एस टू ऑफ एच आर सेट टू बी ऑर्थोगोनल रिटन एज एस वन ऑर्थोगोनल एस टू, ध्यान रखना यहाँ सेट है, पीछे हमने एलिमेंट लिए थे। इफ एक्स इज परपेंडिकुलर टू वाई फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस वन वाई बिलोंग्स टू एस टू, ठीक है जी। अब दो सेट ऑर्थोगोनल कब होंगे, जब उन दोनों सेट के तमाम फॉर ऑल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल, मतलब इसका मतलब कैसे चलेंगे आप, एस वन के पहले क्या करेंगे, एक सेट को फिक्स करो दूसरे को वेरी करो। जैसे मान लो एस वन में 10 एलिमेंट है, यहाँ पर 20 एलिमेंट है, तो आप क्या करेंगे, इस एस वन का पहला एलिमेंट पकड़ेंगे और पहले एलिमेंट का इनर प्रोडक्ट लेंगे एस टू के हर एक एलिमेंट के साथ, फिर दूसरे एलिमेंट का इनर प्रोडक्ट लेंगे एस टू के हर एक एलिमेंट के साथ, फिर तीसरे एलिमेंट का इनर प्रोडक्ट लेंगे एस टू के हर एक एलिमेंट के साथ एंड सो ऑन। एस वन के प्रत्येक एलिमेंट का इनर प्रोडक्ट लेंगे एस टू के प्रत्येक एलिमेंट के साथ और वो इनर प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए, और अगर एक भी इनर प्रोडक्ट मिस हो गया देन दीज सेट्स आर नॉट ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। तो अल्टीमेटली बोलने का मतलब दो सेट ऑर्थोगोनल कब होंगे, जब उन दोनों सेट के हर एक एलिमेंट का इनर प्रोडक्ट दूसरे सेट के हर एक एलिमेंट के साथ जीरो के बराबर होगा। उसका नेक्स्ट डेफिनेशन है, अ वेक्टर एक्स इज सेट टू ऑर्थोगोनल टू ए नॉन एम्प्टी सेट एस। अब एक वेक्टर और एक सेट ऑर्थोगोनल कब होंगे, एक वेक्टर और एक सेट ऑर्थोगोनल कब होंगे, जब इस वेक्टर का इनर प्रोडक्ट इस सेट के प्रत्येक एलिमेंट के साथ जीरो होगा। एक्स इज परपेंडिकुलर टू एस इफ एक्स इज परपेंडिकुलर टू वाई फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू एस, मतलब कैपिटल एस के प्रत्येक एलिमेंट का इनर प्रोडक्ट अगर एक्स के साथ जीरो होगा देन वी से दिस वेक्टर इज ऑर्थोगोनल टू सेट। तो मैं हल्का सा रेपिटेशन दे रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले 61 से पहले हमने क्या किया, दो एलिमेंट ऑर्थोगोनल कब होंगे, जब उनका इनर प्रोडक्ट जीरो होगा, सिंपल। उसके बाद हमने नेक्स्ट डेफिनेशन देखी, दो सेट ऑर्थोगोनल कब होंगे, जब एक सेट के प्रत्येक एलिमेंट का इनर प्रोडक्ट दूसरे सेट के प्रत्येक एलिमेंट का जीरो के बराबर होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन में क्या बोल रहा है, एक वेक्टर और सेट ऑर्थोगोनल कब होंगे, जब एक वेक्टर का इनर प्रोडक्ट इस सेट के प्रत्येक एलिमेंट के साथ जीरो के बराबर होगा, तो हम कहेंगे ये वेक्टर और ये सेट आपस में ऑर्थोगोनल है। उसके ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट वन, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इफ एस इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एच, एस इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एच देन ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस इज डिनोटेड बाई एस, हमने एच का सबसेट लिया तो एस का जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट एक सेट होता है जिसको हम लिखते हैं एस के सिर के ऊपर परपेंडिकुलर, एक नोटेशन है। तो इस एस का जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट होगा वो होगा एस ऑर्थोगोनल, और इसकी खासियत क्या होगी, इसकी खासियत क्या होगी, इस सेट के प्रत्येक एलिमेंट का इनर प्रोडक्ट एस के एलिमेंट के साथ जीरो हो जाएगा, या उल्टा बोल सकते हैं कि एस के प्रत्येक एलिमेंट का इनर प्रोडक्ट एस ऑर्थोगोनल के एलिमेंट के साथ हमेशा जीरो होगा। मतलब एस ऑर्थोगोनल में एच के कौन से एलिमेंट होंगे, एस ऑर्थोगोनल में एच के वो एलिमेंट होंगे जिनका इनर प्रोडक्ट एस के हर एक एलिमेंट के साथ जीरो के बराबर होगा,
एस का हर एक एलिमेंट एच के वो एलिमेंट जो एस के हर एक एलिमेंट के साथ ऑर्थोगोनल होंगे ऐसे बोल लो, या एच के वो एलिमेंट जिनका इनर प्रोडक्ट एस के हर एक एलिमेंट के साथ जीरो होगा। ध्यान रखिए बार बार बोल रहा हूँ मैं, जिन जिन एलिमेंट का इनर प्रोडक्ट एस के प्रत्येक एलिमेंट के साथ जीरो होता जाएगा वो एलिमेंट जाएंगे एस ऑर्थोगोनल में, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट छोटा सा रिजल्ट है, प्रूव दैट एस ऑर्थोगोनल इज ए वेक्टर सबस्पेस। अब सबस्पेस की डेफिनेशन आपको पता है, कोई भी स्पेस है सबस्पेस कब होता है, कोई भी स्पेस है सबस्पेस कब होता है, जब अल्फा एक्स प्लस बीटा बाई टाइप का रिजल्ट उस स्पेस में चला जाए। पता होना चाहिए आपको ये सबस्पेस की डेफिनेशन है, जब अल्फा एक्स प्लस बीटा, जिसको सबस्पेस प्रूव करना है वहाँ दो एलिमेंट उठाओ, दो एलिमेंट फील्ड से उठाओ और प्रूव कर दो कि अल्फा एक्स प्लस बीटा बाई टाइप का एलिमेंट उस सेट में है। तो अल्फा एक्स प्लस बीटा बाई टाइप का एलिमेंट जिस भी स्पेस में जाएगा दैट स्पेस इज ऑलवेज वेक्टर सबस्पेस। ये है आपकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन और इसको हम दो हिस्सों में बाइफरकेट भी कर सकते हैं। कैसे, जिसको सबस्पेस प्रूव करना है वहाँ दो एलिमेंट उठाओ और प्रूव कर दो उन दोनों का सम उसी सेट में है। एक नंबर दो, एक फील्ड का एलिमेंट उठाओ, एक जिसको सबस्पेस प्रूव करना वहाँ एलिमेंट उठाओ और प्रूव कर दो उन दोनों की गुणा भी उसी स्पेस में है। ये दूसरी डेफिनेशन है इसकी। तो बेसिक डेफिनेशन यही है, एक्स प्लस वाई बिलोंग्स टू सब, जिसको सबस्पेस प्रूव करना है उन दोनों एलिमेंट का सम भी उसमें जाना चाहिए और एक स्केलर एलिमेंट और एक उस स्पेस के एलिमेंट की गुणा भी उसी में जानी चाहिए और दोनों प्रॉपर्टी को क्लब करके ये एक सिंगल प्रॉपर्टी बनती है। तो अल्टीमेटली बोलने का मतलब, जिसको सबस्पेस प्रूव करना वहाँ दो एलिमेंट उठाओ, दो फील्ड के एलिमेंट उठाओ और प्रूव कर दो अल्फा एक्स प्लस बीटा बाई एस ऑर्थोगोनल में है। अब देखो जरा, यहाँ पर हमने एस ऑर्थोगोनल को प्रूव करना है सबस्पेस, तो क्या करेंगे हम, इसमें दो एलिमेंट उठाएंगे। देखो जरा, वी नो एस ऑर्थोगोनल इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू एस, एस ऑर्थोगोनल में कौन से एलिमेंट होंगे जिनका इनर प्रोडक्ट एस के हर एक एलिमेंट के साथ जीरो होगा। अब जिसको सबस्पेस प्रूव करना वहाँ दो एलिमेंट उठा लिए, दो फील्ड के एलिमेंट उठा लिए। अब इसके अनुसार क्या होना चाहिए, अल्फा जेड वन प्लस बीटा जेड टू एस ऑर्थोगोनल में भेजना है, मैंने अल्फा जेड वन प्लस बीटा जेड टू को एस ऑर्थोगोनल में भेजना है। तो इसका मतलब अल्फा जेड वन प्लस बीटा जेड टू एस ऑर्थोगोनल में जाएगा कब, जब अल्फा जेड वन प्लस बीटा जेड टू का इनर प्रोडक्ट कैपिटल एस के एलिमेंट के साथ जीरो आएगा, कैपिटल एस के एलिमेंट के साथ जीरो आएगा। तो देखिए जरा, जेड वन एस ऑर्थोगोनल का एलिमेंट है तो उसका जेड वन का इनर प्रोडक्ट कैपिटल एस के एलिमेंट के साथ जीरो हो जाएगा, जेड टू एस ऑर्थोगोनल का एलिमेंट है तो उसका जेड टू का इनर प्रोडक्ट भी एस के एलिमेंट के साथ जीरो हो जाएगा बाय डेफिनेशन। अब हमारा टारगेट है कि अल्फा जेड वन प्लस बीटा जेड टू को एस ऑर्थोगोनल में भेजना है, तो उसका मतलब अल्फा जेड वन प्लस बीटा जेड टू का इनर प्रोडक्ट बाई के साथ अगर लेंगे तो जीरो आना चाहिए। देखते हैं आता कि नहीं आता है। इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी अप्लाई की, हिल्बर्ट स्पेस का सेकंड प्रॉपर्टी, अल्फा टाइम जेड वन इन प्रोडक्ट बाई प्लस बीटा टाइम जेड टू इन प्रोडक्ट बाई, जेड वन इन प्रोडक्ट बाई जीरो के बराबर है, ये भी जीरो के बराबर है तो ये जीरो हो गया। तो इसका मतलब अल्फा जेड वन प्लस बीटा जेड टू का इन प्रोडक्ट एस के एलिमेंट के साथ हो गया जीरो, जिसका मतलब अल्फा जेड वन प्लस बीटा जेड टू चला गया एस ऑर्थोगोनल में, तो ये बन गया सबस्पेस। तो इसको मैं यहीं स्टॉप करता हूँ, नेक्स्ट फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।